अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक फिल्टर पंप। अ फिल्टर पंप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर इन अ वेसल। ठीक है, फिल्टर पंप किस बेसिक से लॉ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वेसल में प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। देखना किस तरह से करें। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर एक ट्यूब होता है विच कंटेन्स थ्री पाइप्स। ठीक है, इस ट्यूब के टोटल थ्री पाइप्स हैं। कौन कौन से? ए, बी एंड सी। ठीक है, मैं डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये है पाइप ए। ठीक है, और ये है जो आ रहा है, ये है पाइप बी, और ये जो जा रहा है ये है पाइप सी। ठीक है, तीन पाइप्स इस्तेमाल करेंगे। पाइप ए इज़ यूज फॉर फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वायर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इट्स आउटर एंड इज मेड नैरो ऑरिफेस इन द फॉर्म ऑफ अ जेट। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पाइप ए की। पाइप ए का क्या मतलब है कि रिजर्वायर जहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से हम लोग वाटर का फ्लो करवाएंगे। ठीक है, वाटर का इनलेट करवाएंगे। ठीक है, वाटर एंटर करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, पानी यहाँ से बहकर आएगा। ठीक है, इस ट्यूब में जिसके जो है तीन पाइप्स हैं, इस ट्यूब में जो है पानी आएगा ए से। ठीक है, यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, और जो इसका एरिया है, इसका एरिया हम लोग बाहर वाले एंड से ऑफ इट्स आउटर एंड इज मेड नैरो। ठीक है, जो इसका एरिया है, हम लोग इसका जो एरिया होगा, हम लोग इसको यहाँ से क्या कर देंगे, देखो इसकी शेप ना कुछ इस तरह की है। ठीक है, हम लोग इसकी शेप कुछ इस तरह की है। ठीक है, तो हम लोग इसके एरिया को क्या करेंगे, इसके एरिया को हम लोग नैरो कर देंगे, बारीक कर देंगे। ठीक है, नैरो ऑरिफेस के कर देंगे, यानी कि बहुत छोटा सा जो है वो ओपन होगा। ठीक है, बिल्कुल जेट के फॉर्म में, जिस तरह से जेट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पाइप बी की। ठीक है, अगर हम लोग पाइप बी की बात करते हैं, इज़ यूज टू सप्लाई एयर फ्रॉम वेसल टू द ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर कोई वेसल होगी, उस वेसल से एयर को इस ट्यूब में एंटर करवाने का काम करेगा पाइप बी। पाइप ए से वाटर फ्लो हो रहा है, पाइप बी से एयर एंटर हो रही है। ठीक है, अच्छा, एंड पाइप सी इज़ यूज टू सिंक द वाटर फ्रॉम द ट्यूब। ठीक है, सिंक द वाटर फ्रॉम द ट्यूब, इस ट्यूब से इस पानी को बाहर निकालना। ठीक है, किसका काम है? पाइप सी का काम है। ठीक है, अब देखना, व्हेन द वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू द नैरो ऑरिफेस, जब पानी इस नैरो ऑरिफेस से, ठीक है, इस नैरो ऑरिफेस से जब पानी गुजरता है, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, तो पानी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखना, बात सुनना, एक आपके पास पाइप है, ठीक है, एक पाइप आपके पास बहुत मोटा है, ठीक है, तो उससे स्पीड में ज़्यादा सारा पानी आ जाएगा। ठीक है, और एक पाइप बहुत पतला है, ठीक है, वाटर पाइप्स तो सबके घर में इस्तेमाल होते हैं ना, एक पाइप बहुत पतला है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कम पानी एक एक टाइम में आएगा, यानी कि पानी की वेलोसिटी क्या होगी, पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ना पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी नैरो ऑरिफेस पतला होने की वजह से। ठीक है, कॉजिंग अ ग्रेजुअल फॉल इन इट्स प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर में कमी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, एंड इट्स वैल्यू सून बिकम्स कंपेरेबल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके प्रेशर की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो है तकरीबन कंपैरिजन में आ जाएगी। ठीक है, तकरीबन बराबरी पे आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जबकि हम दूसरी तरफ बात करें, द एयर फ्रॉम वेसल, ठीक है, जो हवा आ रही है इस वेसल से, ठीक है, रश टूवर्ड्स वाटर, ठीक है, ये फॉरन से कहाँ जाएगी, इस पानी की तरफ जाएगी। यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है, तो ये हवा जाएगी फॉरन से पानी के पास। ठीक है, एट लो प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर पानी का प्रेशर लो कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, पानी के प्रेशर के जहाँ पर लो हुआ है वहाँ पर हवा जाएगी। ठीक है, एंड इट कैरीज द वाटर टू बी फिल्टर्ड थ्रू अ सिंक। ठीक है, और वो क्या करेगी, और वो जो एयर है वो भी पानी के साथ मूव करेगी। ठीक है, और पानी जो है यहाँ से जब मूव करेगा तो ये वाटर जो है सिंक में क्या होता जाएगा, यहाँ से फिल्टर होता जाएगा। ठीक है, ये देखो फनल शेप बनी हुई है, वैसे भी जो फिल्टर की शेप होती है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर बस बेसिक सा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसके जो सरफेस है उसको नैरो ऑरिफेस करके, इस पाइप को पतला करके हम लोगों ने प्रेशर कम कर दिया है, पानी का वेलोसिटी कम हो गई है, और वेलोसिटी कम होने से, वेलोसिटी का तो खैर प्रेशर से नहीं, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको आप लोग मिक्स मत करना गैस लॉ से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, वेलोसिटी भी कम कर दिया, अब इसकी स्पीड भी कम हो गई और इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एटमाइजर। एटमाइजर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एटमाइजर और स्प्रेयर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज, पहले तो ये स्प्रेयर है, ठीक है, जिससे हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर स्प्रेइंग सेंट्स, ठीक है, खुशबुओं को स्प्रे करना। ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह होगा, या बॉडी स्प्रे होगा, या रूम स्प्रे होगा। ठीक है, या पेंट्स को स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होता है, या तो फिर किसी भी दूसरे फ्लूइड को स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज आल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीस इक्वेशन, ये भी बर्नौलीस इक्वेशन की मदद से ही बना है, उसी पे काम करता है। व्हेन द रबर बॉल ऑफ एटमाइजर इज स्क्वीज्ड, ठीक है, अब इस एटमाइजर की जो रबर बॉल है, इस रबर बॉल को जब स्क्वीज किया जाता है, जब इसको दबाया जाता है, देन एयर इज ब्लोन थ्रू ट्यूब। ठीक है, तो ट्यूब से ये हवा निकल जाती है बाहर। ठीक है, जैसे ही आप इसको दबाओगे, हवा यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जो भी पार्टिकल्स अंदर, जो भी फ्लूइड होगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, एंड इट रशेस आउट थ्रू द नैरो अपर्चर। ठीक है, और यहाँ पर जो है, आपने देखो ये बलून यहाँ से फूला हुआ है, ये बॉल यहाँ से फूली हुई है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग है वो बहुत बारीक रखी गई है, नैरो रखी गई है, यानी कि इसका अपर्चर जो इसकी ओपनिंग है वो बहुत नैरो रखी गई है। ठीक है, अच्छा, अब देखना, आप जब यहाँ से दबा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना, जब आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, हमने ऊपर वाले केस में देखा, जब हम लोग प्रेशर को लो कर रहे थे, वेलोसिटी भी लो हो रही थी। ठीक है, आप यहाँ से दबा रहे हो तो आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ये भी, ये
तेज़ स्पीड से बाहर निकलेगा, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड इट कॉजेज फॉल ऑफ प्रेशर, ठीक है। और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी और ये तेज़ी से सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, तो यहाँ पर प्रेशर एकदम से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा फिर, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंदर से खाली हो जाएगा, चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द परफ्यूम अप। अच्छा देखो, बर्नौलीस इक्वेशन का क्या रिलेशन है, यहाँ पर डेरिवेशंस तो नहीं दी हुई कि हम लोग को पता चल सके, ऊपर वाले केस में भी और इस वाले केस में भी आप देखोगे कि बर्नौलीस इक्वेशन का ये रिलेशन है कि बर्नौलीस इक्वेशन में हम लोगों ने बेसिकली किसको फोकस किया था, प्रेशर को फोकस किया था, तो ये दोनों ही चीज़ प्रेशर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करी, यानी कि कहीं ना कहीं बर्नौलीस इक्वेशन से ड्राइव हुई है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द परफ्यूम अप द ट्यूब लेडिंग टू द नैरो अपर्चर, द परफ्यूम स्प्रेड्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे, ठीक है। क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके पास बाहर है, ठीक है, आप यहाँ से प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है सारे पार्टिकल्स इसके बाहर निकल जाएंगे, हवा में जाएंगे, ठीक है, और एक स्प्रे की तरह जो है वो हवा में यहाँ वहाँ स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद देखो एरोफॉइल लिफ्ट, एरोफॉइल लिफ्ट में हमसे क्या कहते हैं, द फ्लो ऑफ स्ट्रीम लाइन्स ऑफ एयर, एयर अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो करेगी, अगर एक पाथ में उसके सारे पार्टिकल्स फ्लो करेंगे अराउंड एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के आसपास, ठीक है, एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, ठीक है, ये आपका अगर एरोप्लेन है, ठीक है, तो बहुत अजीब सा एरोप्लेन है, बस उसको समझ लेना, ये जो आपके एरोप्लेन के जो विंग्स हैं, ठीक है, मैं इन विंग्स की बात कर रही हूँ, ठीक है भाई, ये विंग्स तो है लेकिन हवा तो बिल्कुल अपनी डायरेक्शन में जा रही है ना, हवा तो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन जा रही है, हवा तो नहीं इसके विंग्स के अकॉर्डिंग मूव करेगी, हवा तो अपनी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि एरोप्लेन विंग्स के अराउंड जब एयर मूव करती है स्ट्रीम लाइन में, ठीक है, द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर डिजाइंड सच दैट द एयर स्पीड अबव द विंग इज ग्रेटर दैन द एयर स्पीड बिलो द विंग। अब विंग्स एरोप्लेन के कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि विंग्स के ऊपर वाली जो हवा होती है, ठीक है, वो जो है द एयर स्पीड अबव द विंग इज़ ग्रेटर, ठीक है, जो विंग्स के जो ऊपर से जो हवा गुजर रही होती है, एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर से जो हवा गुजर रही होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो नीचे से हवा गुजर रही होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। ख़ास तौर पर विंग्स को इस शेप में बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीस इफेक्ट। अब आगे देखते हैं हमसे क्या कहते हैं, द एयर प्रेशर अबव द विंग इज़ लोअर ड्यू टू द हायर स्पीड ऑफ द एयर, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि क्या होगा, द एयर प्रेशर अबव द विंग इज़ लोअर ड्यू टू द हायर स्पीड ऑफ द एयर एंड द एयर प्रेशर बिलो द विंग इज़ ग्रेटर ड्यू टू द लोअर स्पीड ऑफ द एयर, ठीक है। अब हम लोगों से क्या कह रहे हैं भाई, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने विंग के ऊपर जो है स्पीड को क्या कर दिया, विंग के ऊपर हम लोगों ने स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, विंग के नीचे हम लोगों ने स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम लोग विंग के ऊपर स्पीड को बढ़ा देंगे, ठीक है, जब हम लोग स्पीड को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जो प्रेशर होगा विंग के ऊपर उसे क्या कर दिया जाएगा, लो कर दिया जाएगा, ठीक है। स्पीड को यहाँ पर हम लोग बढ़ा देंगे और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि विंग के नीचे अगर हम देखेंगे तो स्पीड कम होगी और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखना आगे हम लोगों से क्या कह रहे हैं, दिस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर सरफेस रीजन एंड द लोअर सरफेस रीजन कॉजेज अ नेट अपवर्ड फोर्स एंड इट इज कॉल्ड एरोफॉइल लिफ्ट और एरोडायनामिक लिफ्ट, ठीक है। अब हम लोगों से कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है प्रेशर्स का, क्या कह रहे हैं हम लोगों से कि विंग के ऊपर वाला जो प्रेशर होगा वो कम होगा, क्या कहा दोबारा सुनना, विंग के ऊपर वाला जो प्रेशर होगा वो कम होगा, ठीक है, और जो विंग के नीचे वाला प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये जो प्रेशर का डिफरेंस आया है, ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ऊपर की स्पीड को ज़्यादा कर दिया, नीचे की स्पीड को कम कर दिया, ठीक है। ऊपर की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ऊपर का जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या हो चुका है, कम हो चुका है, लेकिन ख़ास बात ये है कि जब हम लोगों ने नीचे की स्पीड को कम किया तो नीचे का प्रेशर कितना हो गया भाई, हवा तो उतनी अमाउंट में आ रही है ना, अगर आप स्पीड कम करवा दोगे इसको, विंग्स को इस तरह से आप बनाओगे कि स्पीड कम हो जाएगी तो ज़्यादा सारी हवा ने पास होना है, हवा तो कम ज़्यादा नहीं हो रही, हवा तो उतनी है एटमॉस्फेयर में, जब ज़्यादा सारी हवा ने पास होना है और वो कम कम स्पीड से पास हो रही है तो वो जाहिर सी बात है फिर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, ठीक है, कि भाई तू जल्दी जल्दी पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा पास हो, ठीक है, वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। अब नीचे से अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा ये क्या करेगा, ये नीचे से चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया, ठीक है। ये जो प्रेशर लगता है ये अपर डायरेक्शन में लग रहा है इन विंग्स के ऊपर, ठीक है, तो एरोप्लेन को वैसे भी ऊपर मूव करना होता है, ठीक है, प्रेशर अपर डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए जो प्लेन होता है वो ऊपर ही मेंटेन रहता है, वो नीचे नहीं गिर रहा होता, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हवा का जो है वो कंटिन्यूसली अपर डायरेक्शन में लग रहा होता है, और ऐसा प्रेशर, ऐसी फोर्स क्या कहलाती है, नेट अपवर्ड फोर्स कहलाती है, ठीक है, इसे हम एरोफॉइल लिफ्ट कहते हैं या तो एरोडायनामिक लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर,
ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे क्या मेजर किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, डॉक्टर्स के पास होता है ना, क्लिनिक्स में देखा होगा सबने, ठीक है, तो बीपी चेक करने के लिए काला इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखना, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, भाई हमारे किसी नस में जाकर ब्लड कम ज़्यादा तो नहीं हो जाता है ना, ब्लड तो उतना ही रहता है, इनकम्प्रेसिबल है, इस पर दबाव पड़ने से कम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, एंड हैज अ डेंसिटी स्लाइट मोर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है, और इसके वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000, ये वाटर की डेंसिटी से थोड़ी सी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ब्लड सर्कुलेट यानी कि थोड़ा सा डेंस है, थोड़ा सा थिक है, ब्लड सर्कुलेट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के तमाम पार्ट्स में मूव करता है, आर्टरीज से, वेन से, कैपिलरीज से, ठीक है, इसका पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट, हार्ट के थ्रू मूव करता है, ठीक है। अच्छा, द रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी फास्ट, ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से भी सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में जब मूव करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए इन 28 सेकेंड्स ब्लड इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट फुट बैक टू द हार्ट एंड लंग्स एंड देन टू द राइट फुट, ठीक है, ये जो पूरा काम है, लेफ्ट फुट फॉर एग्जाम्पल मेरा लेफ्ट फुट है, लेफ्ट फुट से लेकर ब्लड का जाना कहाँ तक के जाना, ब्लड का हार्ट तक के जाना, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स तक के आना, और लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर वापस से मेरे राइट फुट तक के आना, ये पूरा काम जो है सिर्फ 28 सेकंड्स में हो रहा होता है, इतनी तेज़ी से फ्लो करता है, ठीक है। द ब्लड वेसल्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और कैपिलरीज आर नॉट रिजिड, ये रिजिड यानी कि हार्ड नहीं होती हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकती हैं ताकि प्रेशर पर एकदम से टूट फूट ना जाए, ठीक है, बट दे कैन बी स्ट्रेच लाइक अ रबर पाइप, ठीक है, रबर पाइप की तरह होती हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे हमसे कहते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज सफिशिएंट टू कीप द वेसल्स इन्फ्लेटेड ऑल द टाइम्स, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम इतना इनफ होता है, इतना सफिशिएंट होता है, इतना इनफ होता है नॉर्मल कंडीशंस में कि हमारी जो वेसल्स हैं हर वक्त इन्फ्लेट यानी कि हर वक्त भरी रहे, ठीक है। इट मीन्स देयर इज अ टेंशन इन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, अब अगर वॉल्यूम इतना इनफ है, अगर इतना ब्लड मौजूद है तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगी, एक प्रेशर लगेगा, एक टेंशन लगेगी, टेंशन किसके ऊपर लगेगी, ब्लड वेसल्स के ऊपर लगेगी, कभी भी ब्लड वेसल्स खाली नहीं हो रही, हर वक्त ब्लड का फ्लो है, इनफ ब्लड फ्लो है, इनफ ब्लड है, हर वक्त जो है आर्टरीज जो है वो भरी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड की जो है, ब्लड से जो है प्रेशर लगेगा, टेंशन लगेगी, क्योंकि ब्लड ने कंटिन्यूसली फ्लो करना है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड वेसल इनसाइड इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, हर वक्त अंदर से प्रेशर लगता रहता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में जो हमारी वेसल्स के अंदर, ठीक है, जो हमारी वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है, वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने कि हमारी वेसल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड रीजन इज दिस, जो हम लोग यहां से लेकर यहां तक के पढ़ चुके हैं, ठीक है। ड्यू टू द टेंशन इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, अब क्या हो रहा है, आपके ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर जो है टेंशन लग रही है, ब्लड की वजह से कंटिन्यूसली प्रेशर लग रहा है, कंसिडरेबल प्रेशर इज नीडेड टू फोर्स ब्लड थ्रू दैम, ठीक है। अब क्या हो रही है, फोर्स लग रही है ना कंटिन्यूसली, टेंशन क्या है, फोर्स है, ठीक है, फोर्स लग रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, तो आपके ब्लड को मूव करवाने के लिए, ठीक है, आपके ब्लड को फोर्स लगाने के लिए आपको जो है प्रेशर की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि प्रेशर लगे और वो ब्लड फोर्सफुली आगे मूव हो, ठीक है। हार्ट पंप करता है ना, प्रेशर लगाता है, धक्का देता है ब्लड को आगे मूव, दिस प्रेशर इज सप्लाइड बाय द हार्ट, ठीक है, हमारा हार्ट वो प्रेशर लगा रहा होता है कंप्रेशन के दौरान, जब हमारा हार्ट एकदम से कंप्रेस होता है, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक के थ्रू, ठीक है, जो क्या कहलाता है, सिस्टोल, भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि डायस्टोल सिस्टोल दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, हार्ट के बीट में जो है ये दो साउंड्स होती हैं, ठीक है, लब डब भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर भी होता है, सिस्टोलिक प्रेशर भी होता है, एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर निकाला जाता है, ठीक है, एक नीचे 120/80 होता है ना बीपी, तो एक जो है इसमें ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है, एक 120 होता है, एक 80 होता है, ठीक है, तो डायस्टोल सिस्टोल ये दो होते हैं, ठीक है। जब हार्ट हमारा कंप्रेस होता है, जब हार्ट दब जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक जब ये लगाता है, जब ये कंप्रेस रिलैक्स में जब ये कंप्रेस होता है, तो वो जो फोर्स होती है वो सिस्टोल होती है, ठीक है, और उसके थ्रू ये क्या करता है, प्रेशर लगाता है ब्लड के ऊपर ताकि ब्लड जो है पंप हो सके, ठीक है। द पीक प्रेशर इन द वेसल्स व्हेन द हार्ट कंप्लीट्स अ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, वो मैक्सिमम प्रेशर, वो पीक प्रेशर यानी कि वो मैक्सिमम प्रेशर जब हमारा हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट करने के बाद वेसल के ऊपर लगा रहा होता है कि वो ब्लड को आगे प्रेशर से पुश करे, वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। आगे देखना हमसे क्या कह रहे हैं, व्हेन द हार्ट हैज फिनिश्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है, द प्रेशर फॉल्स ग्रेजुअली, तो फिर प्रेशर जो है कम हो जाता है, एंड हार्ट इज बीइंग रिफिल्ड, और हार्ट जो वापस से ब्लड से फिल हो जाता है, ठीक है, प्रेशर उसने लगाया ताकि हार्ट जो खाली हो जाए और सारा ब्लड बाहर फेंक दे, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर प्रेशर रिलीज होता है और हार्ट जो वापस से ब्लड से फिल हो जाता है, ठीक है, विद ब्लड फ्रॉम वेन्स, और वेन्स कहाँ से आता है, ब्लड कहाँ से आता है, वेन्स से आता है हार्ट के अंदर, ठीक है, हार्ट से कैसे जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है, और हार्ट में कैसे आता है, वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है, सारी यहाँ पर जो है ना बायो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आगे देखो, ड्यूरिंग द फॉलिंग स्ट्रोक कॉल्ड द डायस्टोल, ठीक है, अब जब प्रेशर कम हुआ है, जब प्रेशर ज़्यादा हुआ था वो सिस्टोल था, जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है, प्रेशर जो वो फॉल हो रहा है, प्रेशर जो वो गिर रहा है, प्रेशर जो वो कम हो रहा है, तो ये क्या है, डायस्टोल है, ठीक है।
द प्रेशर फॉल्स टू इट्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो प्रेशर मिनिमम से मिनिमम हो जाएगा विच इज़ कॉल्ड डायस्टॉलिक प्रेशर, ठीक है। टिपिकली द पीक सिस्टोल वैल्यू ऑफ प्रेशर इज 120 टॉर, ठीक है, जो सिस्टोल प्रेशर होता है ब्लड का वो कितना होता है 120 टॉर होता है, ठीक है, और जो रेस्टिंग यानी कि डायस्टॉल प्रेशर होता है जब ब्लड रेस्ट में आ चुका होता है, जब वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर रहा होता है, ठीक है, जब वो वापस से रिफिल हो जाता है वो कितना होता है, वो 80 होता है, ठीक है, तो ये इसलिए आता है 120/80, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ग्राफिकली दीज टू वैल्यूज आर शोन, ठीक है, ग्राफ के थ्रू इनको शो किया गया है। आगे हम देखते हैं द यूनिट ऑफ प्रेशर कैन बी टेकन इन टॉर, ठीक है, यूनिट इसका प्रेशर का ऑब्वियसली टॉर होता है, ठीक है, इट इज एम्प्लॉयड फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर 1 टॉर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल लिया जाता है। कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 टॉर, ठीक है। अब उसके बाद हम जल्दी से इस वाले ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है प्रेशर को चेक किया जा रहा है, वेन्स है, ठीक है, जो ब्लड को वापस लेकर आ रही है हार्ट में, और ये आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेकर जा रही हैं पंपिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो वेन्स का प्रेशर, वेनस प्रेशर हो जाएगा, अच्छा, आउटर आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर बताया हुआ हमें और डायस्टोलिक प्रेशर बताया हुआ, ठीक है। देखो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, कम है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना है 120 है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना है 180 है, बस इस डायग्राम में इतना ही शो किया हुआ और कुछ खास इसमें नहीं बताया हुआ, ठीक है। आगे मूव करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर में हमसे क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है। द स्कीमैटिक डायग्राम ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर इज शोन, ठीक है, हमें डायग्राम यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, जल्दी से डायग्राम को देख लेते हैं, पहले डायग्राम को नहीं देखते हैं, पहले हम अल्फाज पढ़ लेते हैं, फिर हमें डायग्राम और आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एन इन्फ्लेटेबल रबर कफ, ठीक है, इसके अंदर भाई हमें पता है कि इन्फ्लेटेबल रबर कफ, ये जो है ये रबर कफ है, ठीक है, इन्फ्लेटेबल होता है यानी कि इसके अंदर हम हवा भर सकते हैं, ठीक है, इसको हम दबाते हैं और जो इसके अंदर हवा भरती चली जाती है, ठीक है, सभी ने इसका इस्तेमाल देखा हुआ है, ठीक है। तो विच इज रैप्ड अराउंड द आर्म ऑफ द पर्सन, ठीक है, ये इंसान के हाथ पर बांध दिया जाता है, एंड अ मैनोमीटर इज ऑल्सो अटैच्ड विद इट, ठीक है, और इसके साथ मैनोमीटर को भी अटैच किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखना अब इन लोगों ने क्या किया, उसके बाद कह रहे हैं व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज, जब बाहर से आप प्रेशर लगाओगे बियॉन्ड द सिस्टोलिक प्रेशर बाय पंपिंग द रबर बॉल, ठीक है, आप रबर बॉल को बार बार पंप 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 करोगे तो क्या होगा, प्रेशर लगता है, बनता जाएगा, भरती जाएगी हवा से, भरती जाएगी, प्रेशर बनता जाएगा, ठीक है, और वो सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा आप कर देते हो, मतलब आप अगर इसके ऊपर रीडिंग नोट कर रहे होते हो ना तो आप 120 से ज़्यादा 150 तक के, कुछ डॉक्टर्स 200 तक के भी इसको फिल कर देते हैं, 180 तक के फिल कर देते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर से भी ज़्यादा आप इसे फिल कर देते हो, ठीक है, आप इतना प्रेशर लगा देते हो उसके ऊपर, वैसे भी रीडिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है, अगर किसी ने कभी यूज किया, ठीक है, तो क्या होगा, देयर आर फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द कफ, ठीक है, तो फिर क्या होता है, इस कफ के ऊपर फोर्स लगती जाती है सच दैट द आर्म इज स्क्वीज्ड, तो आपका जो हाथ होता है वो क्या होता है, वो दबता चला जाता है, ठीक है, जैसे जैसे हवा बढ़ती जाएगी हाथ पर दबाव आपको महसूस होगा, हाथ सुन्न होने लग जाएगा, ठीक है, एंड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज इज स्टॉप्ड, और इन आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाथ क्या हो जाएगा, आपका दब जाएगा, उसके ऊपर इतना दबाव पड़ जाएगा कि ब्लड फ्लो जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं व्हेन द वॉल्व ऑन द रबर बॉल इज ओपन, ठीक है, अब जब आप यहाँ पर जो वॉल्व है, रबर बॉल, पहले आपने क्या किया होता है, पहले आपने इसको टाइट किया होता है ताकि जब आप इस बॉल को दबाओ ना कंटिन्यूसली तो क्या हो, हवा बाहर ना निकले, हवा यहाँ पर भरती चली जाए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आप यहाँ पर मैक्सिमम हवा भर लोगे ना, फिर आप इस वॉल्व को क्या करोगे, फिर आप इस वॉल्व को खोलोगे आहिस्ता से, तो क्या होगा, यहाँ से जो है ना हवा निकलती जाएगी और प्रेशर जो है ना आपके हाथ के ऊपर कम होता जाएगा, दबाव कम होता जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बॉल को जैसे ही खोलोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फिर जो ऑब्जर्वर है, जो डॉक्टर है, जो सुन रहा होता है, ठीक है, आला कानों में लगाकर, ठीक है, उसको जो है फिर वो क्या सुनाई देने लगता है, उसको लिसन से साउंड, उसको साउंड सुनाई देने लगती है स्टेथोस्कोप की मदद से, ठीक है, यह आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर आपके सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि 120 जिनका नॉर्मल होगा, ठीक है, उस सिस्टोलिक प्रेशर से मीट कर जाता है, देन द वेलोसिटी ऑफ ब्लड बिकम्स हाई, तो फिर अचानक से क्या होता है भाई, आप लोगों ने देखा होगा पहले डॉक्टर्स आराम से हवा छोड़ते हैं, ठीक है, अगर किसी ने बीपी चेक करवाया और आराम से हवा छोड़ते हैं, फिर क्या होता है, उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद वो एकदम से हवा रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप सिस्टोलिक प्रेशर तक के रीच कर जाते हो ना, उसके बाद जो वेलोसिटी होती है ब्लड की वो एकदम से हाई हो जाती है, एकदम से स्पीड में मूव करते हैं और टर्बुलेंट भी हो जाती है और उसमें डिस्टर्बेंस भी आ जाती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर इज फर्दर डिक्रीज, फिर एक्सटर्नल प्रेशर को मजीद कम किया जाता है सच दैट इट्स वैल्यू बिकम्स इक्वल टू द डायस्टोलिक प्रेशर, वो इतना कम हो जाएगा 120 से, अब वो स्पीड में जो है मूव करके कहाँ पर आ जाएगा, बीच में डिस्टर्बेंस भी आएगी, बार बार धक 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 भी सुनाई देगी, ठीक है,
और अब वो रीच कर जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर तक, यानी कि वो आ जाएगा 80 तक, ठीक है। एट दिस पॉइंट द आर्टरीज आर रिलैक्स्ड, इस पॉइंट के ऊपर आर्टरीज जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डायस्टोलिक पर वैसे भी आपकी आर्टरीज क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, आपका हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं करता है, ठीक है, वो वापस से रीफिल होता है इस पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि वो रिलैक्स हो रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, और हार्ट जो है ब्लड किससे पंप करता है, आर्टरीज के थ्रू फेंकता है, ठीक है, तो आर्टरीज रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखना है, कंटिन्यूस साउंड इज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है, कंटिन्यूसली उसे आवाज़ सुनाई दे रही होती है, एंड द फ्लो स्विचेस फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनर, ठीक है, और जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट यानी कि डिस्टर्बेंस से लैमिनर यानी कि हम लोगों ने लैमिनर पढ़ा है, जो स्टीडी फ्लो होता है, ठीक है, बिल्कुल एक पाथ पे, बिल्कुल एक सुकून का जो है, बिल्कुल एक तरीके का जो एक तर्ज का उसे साउंड सुनाई देने लगता है। इन दिस वे इस तरह से ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द स्पेग्मो मैनोमीटर, ठीक है, इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए ब्लड प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, ठीक है जी, हो गया। अच्छा देखो, 120 पर लिखा हुआ है सिस्टोल और 80 पर लिखा हुआ है डायस्टोल, ठीक है। हार्ट जो है यहाँ पर जो आर्टरी है वो ओपन एंड क्लोज, नो साउंड, आर्टरी इज ओपन, ठीक है। अब यहाँ पर 80 के नीचे आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, इसलिए डॉक्टर जो है अचानक से यहाँ पर हवा सारी रिलीज करके फौरन से ये खोल देता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक ही नहीं बल्कि वाला चैप्टर भी एंड हो गया, होप्स हो के क्लियर हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।